बुरहानपुर जिले में सीएम मोहन यादव की जनसभा से पहले एक हादसा सामने आया। दरअसल यहां हेलीपैड पर विद्युत व्यवस्था में लगे एक कर्मचारी की करंट लगने से मौत हो गई। आपको बता दें कि बुरहानपुर में सोमवार को सीएम मोहन यादव का रोड शो और जनसभा होने के कारण एक दिन पहले ही हेलीपैड पर सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने बिजली विभाग के कर्मचारी पहुंचे थे और काम करने के दौरान ही बिजली कर्मचारी को करंट लग गया। वही खंबे से गिरने के बाद उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया। घायल कर्मचारी की हड्डी टूटने और शरीर में अन्य चोटें आने की वजह से इलाज के दौरान बिजली कर्मचारियों की मौत हो गई, जिसको लेकर परिजनों और कांग्रेस ने जमकर हंगामा किया और कांग्रेस के प्रदेश महासचिव अजय रघुवंशी ने विभाग के अधिकारियों पर लापरवाही के आरोप लगाए। वहीं इस संबंध में शिकारपुर थाना प्रभारी कमल पवार ने कहा कि पीएम कराकर जो भी तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित परिवार का वो एक सही पड़ता था, बुजुर्ग माता पिता है, उनका जीवन यापन के लिए उन्हें 30 लाख करीब वो मुआवजा दे ठेकेदार, और उसके बाद उनके परिवार को पिताजी को आजीवन नौकरी वहाँ पर एमपीवी मिले, जिससे कि वो दोनों बुजुर्ग माता पिता पीड़ित पक्के अपने पिता विट्ठल पाटिल करके पच्चीस साल पाटिल का रहने वाला है। प्रथम दृष्टि बात ये सामने आई है कि कोई बिजली खंडों पर काम कर रहा था, जिस कारण से वो उसके गिरने से मृत्यु बता रहे हैं, क्या कारण लगा है। फिलहाल में पीएम करवाया जा रहा है और जो भी तथ्य सामने आए उसके आधार पर जानकारी की जाए। युवक कल रविवार के दिन वह कृषि मंडी हेलीपैड का कार्य कर रहा था, फोन के ऊपर चढ़ के, तो वहाँ उसके अचानक करंट लगा और करंट लगने से फोन के ऊपर से नीचे गिरकर उसकी लिफ्ट की हड्डी और फेफड़े फट जाने से उसको भर्ती किया गया, जिस दौरान इलाज के दौरान उसकी डेथ हो गई। और कल का जैसे कि संडे वाला दिन था, शासकीय अवकाश का दिन था, फिर भी उसको तकरीबन कार्य पर बुलाया गया